अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में बहुत ही पावरफुल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र शेयर करूंगा, जो आप बहुत आसान तरीके से घर पर बना सकते हो। ये खतरनाक से खतरनाक कीड़ों का खात्मा भी 2 मिनट में कर देता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। इस स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड को बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो आपकी किचन में मौजूद है, दूसरी आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हो। इस पावरफुल पेस्टिसाइड में जो पहली चीज़ शामिल होगी वो है तंबाकू। तंबाकू आप सिगरेट से भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास सिगरेट अवेलेबल नहीं है तो आप इसको मार्केट से बहुत आसानी से परचेज़ कर सकते हो। तंबाकू आपके पौधों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रखता है। अगर हम इसको अपने पौधों की मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है और फंगीसाइड का भी काम करता है। और इसी तंबाकू से बने लिक्विड को अगर हम स्प्रे की सूरत में पौधों पर इस्तेमाल करें तो पौधों को पत्तों के ज़रिए फीड भी मिल जाता है और साथ में जितने भी खतरनाक कीड़ों का हमला होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसमें जो दूसरी चीज़ हम शामिल करेंगे वो है सिरका विनीगर, जो आम तौर पर सभी घरों में मौजूद होता है। आपकी किचन में मौजूद होगा, वो आपको थोड़ा सा चाहिए होगा, वो भी इस लिक्विड में ज़रूर शामिल करेंगे। इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए हमें सिरका ज़रूर ऐड करना है। सिरका के इस्तेमाल से ही ये पावरफुल पेस्टिसाइड बनेगा, जिसके इस्तेमाल के बाद 2 मिनट में ख़तरनाक से ख़तरनाक कीड़ों का खात्मा हो जाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े पौधों पर अटैक करते हैं। कुछ तो पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं, कुछ पत्तों से रस चूसना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं। पत्तों के अंदर जितनी भी ताकत होती है वो अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद आपके पौधे आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ख़तरनाक कीड़े आपके पौधों पर अटैक करते हैं, जो हमें आमतौर पर दिखाई नहीं देते और पौधों के पत्तों के नीचे छुपकर हमला करते हैं। जब भी पौधों के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इस्तेमाल करो तो पौधों के पत्तों के नीचे वाले हिस्सों पर भी स्प्रे किया करें, ताकि जितने भी नीचे छुपे कीड़े हैं उनके ऊपर भी वो असर करें। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जितने भी होते हैं ये आपको नुकसान नहीं देते और ये आपकी आबो हवा को भी आलूदा नहीं करते। साथ में जितने भी पौधों के ऊपर कीड़ों का अटैक होता है उनको मारते नहीं हैं, उनको किल नहीं करते, बल्कि उनको दूर कर देते हैं। और हमें कीड़ों को मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुदरत ने हर चीज़ किसी न किसी मकसद के लिए बनाई है। हमें अपने पौधों को सेव रखना है, अपने आप को सेव रखना है, तो हम इसका स्प्रे करके अपने आप को और पौधों को कीड़ों से महफूज रख सकते हैं। इस स्प्रे का लॉन्ग टाइम तक असर रहता है। अगर आप एक बार स्प्रे कर देते हो तो जब तक आप पौधों को वॉश नहीं करते आपके पौधों के ऊपर इसका असर रहेगा, तब तक आपके पौधों के ऊपर कोई भी कीड़ा अटैक नहीं करेगा। इसी तरह इस लिक्विड को हम पौधों की मिट्टी में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पौधों की मिट्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक कीड़ों का अटैक होता है, जो पौधों की रूट्स को डैमेज करते हैं, जिसके बाद आपके पौधे ख़त्म हो जाते हैं। इस लिक्विड को हम पौधों की मिट्टी में इसलिए भी शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये फंगीसाइड का भी काम करेगा, और फंगीसाइड पौधों की बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो पौधों को मार देती है, और हमें तब पता चलता है जब हमारे पौधे मर जाते हैं। इस लिक्विड को बनाने का तरीका ये है कि 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन सिरका और 1 चम्मच हमें तंबाकू इस्तेमाल करना है और 6 घंटों के लिए रख देना है। 6 घंटों के बाद ये आपके पास स्प्रे भी तैयार है, फर्टिलाइज़र भी तैयार है, जो कि आप स्प्रे भी कर सकते हो, पौधों की मिट्टी में भी दे सकते हो। शुक्रिया।